आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार महतो है। मेरे पिताजी का नाम श्रीलाल मोहन महतो है। मैं गांव पचमो पोस्ट रावण से हूँ। हमारा ज़िला पड़ता है बोकारो। मैंने इस साल 12 दिया था, इसमें मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। स्वागत है दोस्तों आपका एसकेएम क्रेजी क्रिएशन में। मैं हूँ संदीप कुमार। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए मैं आज दिखाने वाला हूँ एक ऐसा शख्स जो टॉपर बना है। वो गांव का रहने वाला लड़का है जो आज रांची में आकर वो टॉपर बना है। चलिए मैं उनसे मिलता हूँ और बातें करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बच्चा है 12th में CBSE बोर्ड से RTC में पढ़ा हुआ बच्चा है और ये टॉपर कर चुका है स्कूल में। और सेलिब्रेशन करने के लिए ये देखिए इनको मिठाई खिलाई जा रही है। इनके मामा श्री हैं, वही मिठाई खिलाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। थोड़ा मिठाई खिलाइए और सेलिब्रेशन करिए। ये बच्चा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और आने वाले दिन में आके ये तरक्की करेगा। ये सेलिब्रेशन है जो ये अपना स्कूल में टॉपर किए हैं। ये मेरा भाई है और ये बना है स्कूल टॉपर। इसके लिए मैं इसको एक मिठाई खिलाऊंगा जो सेलिब्रेशन में मना रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, खुश रहो और आगे जाके तरक्की करो और आने वाला दिन में तुम अपना इच्छा को पूरा करो। चलिए आज हम इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार महतो है। दर्शकों को बताइए कि आप जो तैयारी किए और स्कूल में टॉप लाए वो किस तरह से लाए और किस तरह से काम किए आप अपने पढ़ाई में। पहले तो स्कूल से मैंने 10th RTC से किया था। उसके बाद सुनते हैं वहाँ में भी टॉपर थे आप, 10th में भी टॉपर थे। हाँ, RTC में भी 10th मतलब अच्छा 94% आया था, तो काफ़ी अंदर से मोटिवेट किया कि 12th में भी बेटर कर सकते हैं, तो मैंने किया और काफ़ी होपफुली मैंने इसमें 91% सिक्योर किया, तो मैं सेटिस्फाई हूँ इस नंबर से। स्कूल में टॉपर करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ये स्कूल में टॉप कर गया ये सही बात है, बट हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा अंदर से अच्छा लग रहा है। दोस्तों का अच्छा सराहना मिल रहा है, सारे रिश्तेदार अच्छे से, तो एक अंदर से अच्छी खुशी हो रही है। सब आगे भविष्य की अच्छी शुभकामनाएँ दे रहे हैं, तो फिर काफ़ी अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है आपको इन सब चीज़ों को। हालांकि इतना अच्छे शब्दों से बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बहुत गांव से रहने वाले व्यक्ति हैं, गांव से रहकर आए हैं और ये गांव में रहकर यहां रांची आए हैं। गांव से आप रांची आए तैयारी करने के लिए और पढ़ने के लिए, और रांची में आकर टॉप करना सबसे बड़ी बात होती है। और ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि गांव में रहने वाला बच्चा जो रांची में आकर रेंट में रहता है और रेंट में रहने के बावजूद ये तैयारी करता है और स्कूल टॉप करता है, सबसे बहादुरी वाली बात है। चलिए हम बात करते हैं और पूछते हैं कि गांव में आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका फैमिली कैसा फील कर रहा है, आप कैसा प्राउड कर रहे हैं? हाँ, वो जब मैं छोटा था बचपन था उसी समय से अब पापा बाहर में रह रहे हैं, तो फिर पापा ने कहा कि बस मतलब कि एक पढ़ाई मतलब कि पढ़ाई पे काफ़ी उनका फोकस रहता है, तो एक उनको भी पढ़ाई के थ्रू खुश करना एक उनको अंदर से अच्छा लगता है कि जब रिजल्ट आता है तो पापा अच्छा कहते हैं। तो बाकी बहुत सारा गांव तरफ से भी जब गांव लोग जानते हैं कि हम अच्छा बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोग को भी अच्छा लगता है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी आता है, तो अंदर से। पापा का क्या नाम है? पापा का नाम श्री लाल मोहन माथुर है। वो क्या करते हैं? पारा टीचर है पापा मेरे। पारा शिक्षक का बेटा बना टॉपर, ये देखिए इनके पापा जो पेशे से टीचर हैं, जो पारा शिक्षक हैं। पारा शिक्षक के बारे में तो आप लोग को खुद बहुत अधिक पता है, क्योंकि पारा टीचर जो स्ट्रगल किए हैं, कर रहे हैं और जो धरना प्रदर्शन आपको तो पता है। उनका बेटा, एक संघर्षकारी पिता का बेटा, एक संघर्षकारी बेटा आया और ये रिजल्ट अच्छा आया और रांची में टॉप किए और वो अच्छा रिजल्ट लाए। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इनका पेपर में भी नाम है और ये मेरे पास ये प्रभात खेबर का पेपर है जो 8 नंबर पेपर पे है। चलिए मैं वो शो करता हूँ। 8 नंबर पेपर खोलो, ये देखिए अनिल कुमार, ये जो RTC टॉपर किए हुए हैं, ये जो बंदा है, ये जो अच्छा रिजल्ट ला के अपना पेरेंट्स का, अपना गांव का, अपना समाज का नाम को गौरव से ऊपर किए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आप इनका स्टडी रूम भी देख सकते हैं, ये है इनका रेंट में, ये है इनका स्टडी रूम, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इनकी टेबल है, इनका मोबाइल है। क्या आपको कैसा लग रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो पहले मैंने पापा को कॉल करके बताया कि रिजल्ट इतना आया, तो जब मैंने बताया इतना परसेंट आया तो पापा बोले कि अच्छा जितना चाहते थे जो नंबर से, मतलब पापा को काफ़ी सेटिस्फाई हुआ, तो उतना काफ़ी है, तो अंदर से संतुष्टि है।
आगे कंपटीशन का तैयारी करने में आप अभी लगे हुए हैं या कुछ करना है? मैं तो वही कंपटीशन है, मैं तो क्या क्वालिटी है वो कंपटीशन में पता चलता है, जो एक अंदर से कंपटीशन एक ऐसा होता है जिसमें आपको हर तरीके से आपको मानसिक रूप से मतलब सोचना पड़ता है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कंपिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि कंपिटिटिव में भी अच्छा स्कोर करूँ। और कितना स्ट्रगल आपने किया पढ़ाई करते वक्त? हाँ, स्ट्रगल तो बना ही रहता है, बस पढ़ाई करना है तो एक स्ट्रगल का नाम दे सकते हैं इसे। बाकी एक अच्छा से मतलब पढ़ाई करते रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन, वैसे तो मतलब काफ़ी आप डाइवर्ट भी हो सकते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी आपको बने रहना है, विश्वास करना है खुद पे, लोगों का विश्वास तो हमेशा रहेगा, फैमिली का हमेशा, फैमिली का बिफोर सक्सेस एंड आफ्टर सक्सेस, बिफोर फेल्यूर एंड आफ्टर फेल्यूर, तो आपको खुद पे भरोसा भी करना होगा। कोरोना काल में भी आप स्ट्रगल करके पढ़ाई किए, इस तरह से कोरोना काल में आपका क्या रहा, किस तरह क्लास बंद होने के बावजूद भी आपने पढ़ाई किया, क्या खुद से इतना स्टेबल रहा कि आप अच्छा से पढ़ाई कर पाए? ऑनलाइन हुआ तो अब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब घर में ही हम लोग आ गए थे, उसे सब ऑनलाइन पढ़ाई होता था, हालांकि ये कहा जाता है कि एक स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, क्या एक हमारे शिक्षक ने कहा था कि ज्ञान जो पूरा होता है वो चार हिस्सों में उन्हें बांटा, कि पहला एक चौथाई ज्ञान जो है मम्मी पापा से मिलता है घर परिवार से, एक चौथाई ज्ञान शिक्षक से, एक चौथाई आपका सेल्फ स्टडी से, और एक चौथाई आपको खुद एनवायरनमेंट सबसे मिलता है, तो वो सब की कमी खली, लेकिन फिर भी किसी तरह ना, हाँ थोड़ा सा बीच में जैसे ऑफलाइन हुआ तो सब भी थोड़ा पूरा हुआ, बाकी कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा परिणाम तैयार हुआ। चलिए, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, मैं आप RTC स्कूल में पढ़ के आप इतना अच्छा तैयारी करके आप स्कूल टॉप किए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और कुछ बताना चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे हैं जो अभी मैट्रिक या इंटर लिखेंगे उनको क्या आप मोटिवेशन करना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि बनाए रखें अपनी पढ़ाई को, खुद पर भरोसा रखें, हालांकि लोगों का प्रेशर रहेगा, ऐसे नेचुरल सी बात है कि वो लोग चाहेंगे कि आपसे करें, तो वो लोग चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, तो आप लोग पे काम करना चाहेंगे, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा प्रेशर उसे बना रहे हैं, हालांकि आप किस तरह लेते हैं इन चीज़ों को, किस तरह को बैलेंस करते हैं, इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी खुद विश्वास रखें और अच्छे से तैयारी करें। चलिए, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। चलिए फ्रेंड्स, आज हमें इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा सपोर्ट, ये मेरा अपना ही ये मेरा अपना भाई है, और मैं इनसे बहुत ही मैं अपने आप में गौरव, और ये स्कूल का बना टॉपर, एक गांव में रहने वाला बंदा जब रांची आता है स्पेशल पढ़ाई करने के लिए और वहां से कुछ कर जाता है तो पेरेंट्स को बहुत ही गर्व महसूस होता है, और गांव में रहने वाला लड़का आके रांची में टॉप करता है, सबसे बड़ी बात ये है। इनके पैसे से इनके पापा पारा शिक्षक हैं और वो काफ़ी स्ट्रगल हैं, उन्हीं का स्ट्रगल का गुण इनके पास भी है, और जो आज आपके सामने रिजल्ट दिखा वो बहुत ही अच्छा है। चलिए, आने वाला दिन में आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिले, और इसके लिए आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में लिखें और आशीर्वाद दीजिए, और मेरे साथ इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।